हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो आज की क्लासेस में दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले का यूज करना। दोस्तों इसका नाम है काउंटिफ। दोस्तों काउंटिफ फॉर्मूलास को कैसे यूज किया जाता है एक्सेल में, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया है और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी यूज किया है। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होता है, दोस्तों काउंटिफ जो होता है ना हमारा, ये क्या करता है, सिंगल क्राइटेरिया को एक रेंज में से काउंट करके बता देता है। तो अब दोस्तों ये क्या होता है सिंगल क्राइटेरिया और रेंज क्या होती है, दोस्तों इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहां पे हमने यहां कुछ नाम लिखे हुए हैं, जहां पे आप देख सकते हैं रोहित है, सोनू है, रोहित है। अब दोस्तों यहां पे रोहित हमारा सेकंड यानी दूसरी बार भी आ गया। अब हमसे कहा जाता है कि आप ये बताइए हमारा जो रोहित है यहां पे वो कितनी बार आ रहा है डेटाबेस के अंदर। तो यहां पर दोस्तों आप देखिए कैसे इसे काउंट करेंगे। आपको यहां पर दोस्तों क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है और यहां पर सबसे पहले लगाना है काउंटिफ का फॉर्मूला। तो दोस्तों आप यहां पे काउंटिफ फॉर्मूला लगा देंगे। अब दोस्तों यहां पे आपने क्या करना है, इसके सिंटैक्स को पढ़ लेना है। सिंटैक्स में दोस्तों यहां पे बताया गया है आपका रेंज। अब रेंज का मतलब दोस्तों होता है हमारा कि जिसमें आप अपने क्राइटेरिया को ढूंढ रहे हो यानी देख रहे हो। दोस्तों यहां पर आप क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब आपने क्या करना है ना दोस्तों, आप यहां पे कोमा लगा दें और कोमा लगा करके ना आप उस सेल एड्रेस को बताइए दोस्तों जहां पे आपने अपने क्राइटेरिया का नाम लिखा हुआ है। अब दोस्तों इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यहां पे रोहित लिखा हुआ था दोस्तों, इसलिए मैंने यहां पर रोहित को सेलेक्ट कर लिया। दोस्तों आप इसे टाइप भी कर सकते हो डबल इन्वर्टेड कोमा करके, आप यहां पर टाइप कर दीजिए अपने क्राइटेरिया को रोहित इस तरीके से। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि आप इसे ड्रैग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमने एक बार रोहित को बता दिया है, दूसरा फिर हम अगर सोनू को बताना चाहेंगे ना दोस्तों तो हमें टाइप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, ऐसे भी आप बता सकते हैं, मैं यहां पे क्या करता हूं इसे डायनेमिकली मैं यहां से सेल एड्रेस से बताता हूं दोस्तों इसे। अब मैं क्या करता हूं ना दोस्तों, ब्रैकेट कर देता हूं क्लोज। अब मुझे यहां से इस पूरी रेंज को यानी मेरी जो यहां पे दोस्तों रेंज थी इसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके ना यहां पे आपको दोस्तों प्रेस करना है F4। अब दोस्तों F4 क्या करता है ना, हमारी रेंज को यानी हमने जो यहां पे रेंज सेलेक्ट की थी ना दोस्तों, इसे ये लॉक कर देगा। जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो ये रेंज अपनी जगह से नहीं हिलेगी। दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहां पर फ्रीजिंग का यूज करेंगे और यहां पर मैंने काउंटिफ का यूज किया। अब दोस्तों यहां पर जो काउंटिफ है हमारा करता क्या है, देखिए दोस्तों एंटर करता हूं मैं तो ये क्या करके देगा, हम लोगों को यहां से रोहित की काउंटिंग ला करके दोस्तों दे देगा। अब मैं इसे थोड़ा सा दोस्तों बोल्ड कर देता हूं यहां पे ताकि आप लोगों को यहां दिखाई दे। अब देखिए मैं इसे ड्रैग करता हूं ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा ना दोस्तों, सबको काउंट करके आपको बता देगा। अब आप देख सकते हैं यहां पे रोहित की जो काउंटिंग है दोस्तों वो 4 है, सोनू की काउंटिंग दोस्तों यहां पे 3 है, कविता की काउंटिंग दोस्तों यहां पे 4 है और राजेश की काउंटिंग यहां पे 3 है। तो आप लोगों को दोस्तों ये फॉर्मूला समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।